बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुबनाज किचन। आज मैं बना रही हूँ स्पेशल रमज़ान के लिए केचप। केचप बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर 1 किलो, पके हुए सुर्ख रंग के लेने, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, फूड कलर 1 चुटकी, चीनी 4 टेबलस्पून, 1 छोटा प्याज उसको हाफ कर लिए, 3 जोए लहसुन के, थोड़ा सा अदरक का पीस, 2 टेबलस्पून सिरका। अब हम केचप बनाना शुरू करते हैं। टमाटर इस तरह पीसीज में काट के मैंने कढ़ाई में डाल लिए। अब चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे इनको पकाने में। जब ये थोड़े गर्म हो जाएंगे तो इनको ढाँप देंगे। टमाटर देखें पकना शुरू हो गए हैं और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैंने ये प्याज, लहसुन, अदरक मोटा मोटा काट लिए, ये डाल देंगे। नमक, सुरख मिर्च, पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से केचप का कलर बहुत प्यारा आता है। अब इसको अच्छा सा हिला लें ताकि नमक मिर्च इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसको स्टीम दे देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। 15 से 20 मिनट की स्टीम देंगे इसको। टमाटरों को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको चेक करते हैं। टमाटर गल गए हैं बहुत अच्छे से। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम इन्हें अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट हमारा अच्छा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गए। अब हम इन्हें स्ट्रेन करेंगे। एक बाउल लेके इसके ऊपर ये स्ट्रेनर रखेंगे और ये टमाटो पेस्ट जो है ये इसके ऊपर डाल लेंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसे आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से स्ट्रेन करते हैं। बहुत मज़ेदार साफ सुथरी केचप बनेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल मार्केट जैसी। ये देखिए पेस्ट अच्छा सा स्टेन हो गया और इसके बीज और छिलके ये बाहर निकल आए। अब हमने पेस्ट को दोबारा कढ़ाई में डाल लिए। आधा कप चीनी थी वो मिक्स करेंगे। अब चीनी को हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका चीनी का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। चीनी डाल के पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर हम सिरका और कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे।
सिरके के अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, रेड कलर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर को अच्छा सा मिक्स कर लें। अब हम सिरके में कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ इसको डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। अब दरमियानी आंच पे हमने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। कलर देखें कितना खूबसूरत आया केचप का। चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। दरमियानी आंच पे पकाना है इसे। बस ये अब तैयार होने वाली है। केचप गाढ़ी हो गई है, अब हम इसे चेक करते हैं। आपने इस तरीके से चेक करना है केचप को। अगर तो ये नीचे गिर रही है तो समझिए अभी इसमें पानी है। ये देखें बिल्कुल थिक हो गई है, ये देखें बिल्कुल थिक हो गई है। केचप तैयार है, आप चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे। केचप ठंडी हो गई है, अब हम इसे बाउल में निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार केचप तैयार है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।